पानी से तरीका कर दीजिए और नालिश कर दीजिए और रोड और हम लोग बहुत दूर जाते हैं पानी लाने में, हमको आधा एक घंटा दो घंटा लग जाता है हम लोग को पानी लाने के लिए। और बच्चा लोग को दिक्कत आता है नहाने धोने के लिए, समय से स्कूल नहीं जाने पाते हैं, बच्चा लोग हम लोग को भी दिक्कत होता है, गंगा जी पानी नहाते खाद खत्म हो जाता है और कहना में खुद पानी सूख जाता है, हम लोग भी दिक्कत होता है सरकार की तरफ। समस्या पहले हम लोग का घर भी हम लोग का टूट गया है और हम लोग को नाली भी निकालने के लिए नहीं देता है और झगड़ा भी करता है यहाँ का आदमी लोग, और हम लोग इसीलिए घर में हम लोग कोड़ के गड्ढा कोड़ के हम लोग पानी को जमा कर दिए, इसलिए बीमारी फैलेगा। हम लोग सरकार से हम मांग करते हैं कि हम लोग को नाली दे और सही चीज हम मांग करते हैं। मेरे मोहल्ले में एक नंबर में सबसे बड़ा मुद्दा पर समस्या है पानी का। हम लोगों का घर मोहल्ला ऐसा है कि पानी का सप्लाई नहीं होता है, जिसमें कालीनाथ चौक पाठक टोला चौक बीएस रोड प्रधान टोली और हम लोग को नायक माला, विशेष करके चार माला में एकदम पानी का किल्लत है। हम लोगों को यहाँ का महिला लोग को बच्चे लोग को पानी के लिए 2 किलोमीटर गोला हाई स्कूल जाना पड़ता है इस मोहल्ला से, और एकदम पानी के लिए इतना अति है कि 4 बजे भोर से ही लाइन लगना पड़ता है स्कूल में जाकर। स्कूल टाइम पर खुलता है, टाइम पर पानी लेता है, बच्चा लोग 10 बजे से पहले नहीं आता है, उसके बाद बंद हो जाता है, तो हम लोग को पानी का किल्लत तक झेलना पड़ता है। इसलिए पानी का एक नंबर समस्या और दूसरा साफ सफाई नली का बहुत दिक्कत है हम लोग को। यहाँ मेरे मोहल्ला में चारों तरफ गंदगी है, नली है, यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई होना चाहिए, जागरूकता अभियान के तहत काम होना चाहिए। क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि, यहाँ का जनप्रतिनिधि तो एकदम आंख में बंद करके बैठे हुए हैं, यहाँ का या मुखिया हो या पंचायत समिति हो या विधायक जी हो, तो विधायक जी का तो बड़ा बड़ा काम होता है, जैसे विधायक जी का तो उनका है, उनका सिर्फ कुछ काम हुए हैं, लेकिन मुखिया का जो फंड है वो अभी तक क्या कोई काम है। मेरा मोहल्ला में सबसे पहला स्थिति पानी का समस्या है और यहाँ गंदगी बहुत है इस मोहल्ला में, रोड का समस्या है, आदमी को जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, यहाँ स्कूल की कमी है, स्कूल जाने के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, बिजली का स्थिति भी पोल भी ठीक नहीं, पोल भी जर्जर है, बहुत जगह पोल भी नहीं पहुँचा है, शिक्षा में स्कूल सामने नहीं होने के कारण बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत से जनप्रतिनिधि आए, बहुत से नेता आए, लेकिन उन लोग कुछ नहीं के वादा सिर्फ करते, वादा तक ही करता, मुखिया चुनाव भी और समय भी वादा की। यहाँ नाली का सुविधा नहीं है और पानी का भी बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी लाने के लिए हाई स्कूल जाना पड़ता है और उसके अलावा यहाँ गंदगी भी बहुत है, जो स्वच्छ भारत बना रहा है सरकार वो हम लोग को यहाँ पर कहाँ स्वस्थ हो पा रहे हैं, और बच्चे लोग भी स्कूल जाने के समय में इन लोग को सही समय से इन लोग को पानी नहीं मिलता है, नदी तो है यहाँ बहुत, नदी में वही गंदा पानी बहुत नाली झाली पूरा बह गया नदी में, लोग आते हैं आके देख देख के चलते जाते हैं, बना देंगे ऐसे चलेंगे ऐसे मेरा भी चल देख के जाते हैं। बड़ी समस्या है यहाँ क्या है, लेकिन हमारे मोहल्ला में बहुत सी दिक्कतें हैं, जैसे पानी का समस्या है, महिला लोग स्कूल जाते हैं हाई स्कूल पानी लेने के लिए, जो हमारे लिए दुर्लभ की बात है, हर एक पार्टी आते हैं जीत के चले जाते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं, मुखिया भी आज मुखिया भी कुछ चुना हुआ उसमें भी कुछ नहीं हुआ, पानी का व्यवस्था कीजिए रोड का।